हेलो एंड वेलकम दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको व्हाट्सएप के कुछ हिडन सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं दोस्तों दोस्तों बहुत बढ़िया सेटिंग्स बताने वाला हूँ बढ़िया बढ़िया सेटिंग्स बताने वाला हूँ दोस्तों। और लास्ट में एक ऐसे सेटिंग बताने वाला हूँ जो आपका व्हाट्सएप हैक होने से बचा सकती है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों व्हाट्सएप आप यूज़ करते ही होंगे, व्हाट्सएप कोई भी व्हाट्सएप हो, GB व्हाट्सएप हो, नॉर्मल व्हाट्सएप हो, दो व्हाट्सएप की जो ट्रिक्स होती है वो मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो में मैं 3 ट्रिक्स बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने। व्हाट्सएप पे जैसे ही आपको किसी का मैसेज आता है तो आप जाकर चेक करते होंगे कि यार ये बंदे ने मुझे मैसेज किया है। अगर आप बिना देखे आपको मालूम पड़ जाए कि आपका किसने मैसेज भेजा है, आपको फला बंदे ने मैसेज भेजा है, तो आपको कैसा अच्छा रहेगा। आपके लिए मोबाइल देखना भी नहीं पड़ेगा और मालूम पड़ जाएगा किसका मैसेज आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपके दोस्त के प्रोफाइल में जाना है, आई बटन पे क्लिक करना है, आई बटन पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद नोटिफिकेशन दिखेगा, नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, फाइल मैनेजर, या फिर आप म्यूज़िक लगा सकते हो, या आपके मोबाइल में जो रिंगटोन्स आती है वो आप सेट कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। मैं रिंगटोन्स में जाऊँगा, यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ से सेट करूँगा जो भी मुझे सेट करना है रिंगटोन में। यहाँ से देखिए ये AWM वाली साउंड वाली रिंगटोन है मेरे पास। ये रिंगटोन कैसे डाउनलोड करनी है ये मैंने आपको बताया हुआ है, एक वीडियो दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, मैंने देखिए सेट कर लिया है। यहाँ से सेट करने के बाद आपको बैक जाना है। देखिए मैं मेरे दूसरे व्हाट्सएप से मैसेज करता हूँ और आप लोगों का भी साउंड सुनने को मिल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये बंदे ने मुझे मैसेज किया हुआ है। देख सकते हो मैं यहाँ से मैसेज किया, आप लोगों को साउंड सुनने मिल गया होगा। ये साउंड आपको 3 बार सुनाई देगा दोस्तों, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। आप लोग ये सेटिंग ज़रूर से कीजिए और आप लोग इस सेटिंग को यूज़ कीजिए जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको मैसेज किसने किया हुआ है दोस्तों। अब मैं आपको सेकंड नंबर की ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों। सेकंड नंबर की ट्रिक ये है कि आप लोग जैसे ही व्हाट्सएप यूज़ करते होगे, आपके कोई भी फ्रेंड आपको फ़ोटोज़ भेजता है, पर्सनल फ़ोटोज़ जो कि आप दोनों के बीच में होते हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड आपको फ़ोटो भेजती है अपने, आप किसी को दिखाना नहीं चाहते लेकिन वो गैलरी में चले जाते हैं और आपका कोई भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड देख सकता है, तो आपको उसको किस तरीके से छुपाना है मैं आज आपको यही बताऊंगा कि उसको किस तरीके से छुपाया है। गैलरी में नहीं दिखेगा लेकिन आपके व्हाट्सएप में रहेगा, आपके मोबाइल में भी रहेगा, आपको कहीं से हाइड भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया सेटिंग्स बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ से फ़ोटो भेज दिया है मेरी गैलरी में, मैं आपको बता देता हूँ फ़ोटो शो हो रहा है। अब मैं आपको वर्क करके बताता हूँ कि फ़ोटो शो नहीं होगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड की प्रोफाइल में जाना है या गर्लफ्रेंड की, आई बटन पे क्लिक करना है, आई बटन पे क्लिक करना है। देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, फ़ोटोज़ के नीचे कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे ऑफ है ये, तो इसका मतलब कि आपको फ़ोटो व्हाट्सएप में ही रहेगा, गैलरी में नहीं दिखाई देगा। अगर आपका ऑन है तो इसको ऑफ़ कर देना है, आपको यहाँ से ऑफ़ कर दोगे आप तो आपका फ़ोटो गैलरी में नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको व्हाट्सएप में दिखाई देगा और आप ही देख सकते हो और कोई देख नहीं सकता दोस्तों। देख सकते हो यहाँ से ये सेटिंग को, आपको यहाँ से सेटिंग कर लेना है। सेटिंग कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, फ़ोटो छुपाना भी नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, आप ऑटोमेटिकली आपको फ़ोटो हाइड हो जाएगा और आपकी गैलरी में नहीं दिखाई देगा, सिर्फ व्हाट्सएप में दिखाई देगा। देख सकते हो इधर से मैंने फ़ोटो भेज दिया हुआ, ये मेरा दूसरा व्हाट्सएप है। आप इसके अंदर भी सेम सेटिंग कर सकते हो, GB व्हाट्सएप हो, कोई भी व्हाट्सएप हो, आप इसके अंदर सेम सेटिंग कर सकते हो और आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तीसरे नंबर की ट्रिक है, आपको व्हाट्सएप हैक होने से बचाना है तो आपको क्या करना है, 3 लाइन पे क्लिक करना है, लिंक डिवाइस दिखेगा आपको एक, उस लिंक डिवाइस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, इसका मतलब मेरा व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ है, एक भी वो डिवाइस लिंक नहीं है मेरा व्हाट्सएप से,
आपको यहाँ पर लिंक होगा तो आपको नीचे दिखाई देगा कि किसने आपको व्हाट्सएप हैक किया है, किसने लिंक किया है। आप ये देख सकते हो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो किसने आपको व्हाट्सएप हैक किया है या नहीं किया है।